छोड़े यार, आप चले गए। मैं कह के क्यों, मैं आ रहा हूँ तो उधर चले गए यार। मुझे याद नहीं, याद नहीं
ऊपर बिल ओपनिंग है मेरी वहां पे बिल ओपनिंग है कितना टाइम लगेगा उसमें आधा घंटे हां बिल मीटिंग के लिए जाओ
लाइन पे कि वो जिसे कहते हैं مختلف میں ہے پیڈل का पता है या वो भी ये तो होता है आपने सारे चेक कर
ड्राइवर का रोल ड्राइवर की
से पीछे सारा कुछ एग्जांपल इसमें जब आता है इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये उसका जो अरेंजमेंट है ना ये है कि बेसिकली ये तो कनेक्शन पाइप है जो इंडिविजुअल कोच में ये होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूट पार्ट ऑफ क्या करेगा पहले तो एक हर कोच वैगन के अंदर एक रिजर्वायर होगा जो लिखा है जब आप उसमें ड्राइवर ट्रेन लेंथ आखिर तक चार्ज हो जाती है चलती है ट्रेन एग्जामिनर और ड्राइवर के मेरे और वेरीफाई और उसके ऊपर एडमिशन के पास ये अब जो एक्सेबल
ड्राइवर के पास इंडिकेटर Fight this risk. सर्टिफाई करेंगे एंड तक जो है अभी आप देखेंगे ये जो है यहाँ से व्हील है ब्रेक सिलेंडर है क्या होता है कि वो जो प्रेशर होता है इसका आ रहा है आपको ब्राउन कलर का पुश करेगा ये ब्रेक रिंगिंग जो करेगा एयर निकलेगी जब आप इनिशियल चार्जिंग कर रहे थे होते हैं ना सिस्टम उसमें वो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं ना हर कोच से गैर को रिलीज करते हैं फिर मेन सोर्स से That is not necessary
आपको बताया कि ये पूरा जो है टाइप बात है, जैसे ही आप उसमें रेड ये करते हैं ना कि जब होता है कि कई दफा सेल कोई चीज पाइप में रिलीज हो रहा है से या उसका ब्रेक, आप उसको वाइस देंगे देंगे तो एक मैकेनिज्म करता है कि हाउ द सिंपल मैकेनिज्म ऐसा जो है जब वो कटिंग होती है ये जो होता है ये एनी पल्स योर रेज आर फुल और फिर ये रिकमेंडेड ये अनलोडेड अनलोड हो जाता रहेगा, ये चलता रहेगा इसकी क्रैश बेटर कंडीशन एयर कंप्रेस नहीं जब ये अनलोडिंग राइट चल रहा है जैसे ही वो अपने चार्ज होगा ना फुल मींस योर रिजर्वायर की चार्ज अगर उसके अंदर आ जाएगी वो जो चार्ज फाइव ऐसे होता है पिन जा रही है टूट जाता है लास्ट वन
क्या होगा अगर रोलिंग ग्रेड है डाउन ग्रेड है तो रिवर्स हो ये है कि अगर सिस्टम की प्रेशर पूरा है अगर वो डिस्कनेक्ट हो कोच होता है कि वो आप डिटेक्ट होगा तो क्या होगा कि वो हाई प्रेशर होगा ये आप उसको कह रहे हैं कि अगर But it's a good disconnect. Likely pressure. Signal again. Downgrade हो तो क्या होगा? Train आगे जा रही है और वो कोई है. अगर downgrade है. और metallic connection. और इसमें उसके बाद आपस में इंटरफेरेंस है दैट इज टू नेक्स्ट है कि फायर ट्रेन में ऑन चेन चले चलती ऑन चेन पे ऑन के for fun sake.
रिडक्शन इतनी होती है माइनर पेन हैवी वो ना फिर क्या होगा कि अगर आप इसका प्रोवाइड माइनर रिडक्शन ज्यादा रिडक्शन होगी ना एक कोच में बाकी कोचेज एक बीच में जैम हो गई आगे उसको पहुंचा रहा है लोग रखी जाती है माइनर 0.1 से 0.5 बार तक फिर एक something is जब ये आपकी व्हीकल है तो वो जो आपका ट्रेन पाइप है वो लेंथ ऑफ द कोच एंड पे यहाँ पे क्या होगा कि आप वेल्व होगा आइसोलेटिंग पॉइंट यहाँ से फिर भी ये मेटालिक पाइप ये जो आपस में इनका कनेक्शन है रबर पाइप होंगे जो आपस में ये पूरा कनेक्शन बनता है। अब इसके अंदर इज हाईली रिस्की इफ यू मूव दिस फिर आपने क्लोज किए बगैर आपने खोल दिया जब आपने इसको निकल जाती है जी अदरवाइज वो जो आइसोलेशन है ना इस
इसकी आइसोलेशन नहीं होती, ये कंटिन्यूअस रहेगा पाथ। आइसोलेशन होती है जो इंडिविजुअल एक ऑब्जर्वरी रिजर्वायर, वहां वो वाला सिस्टम, इस केस में ये थ्रू रहेगा जो था ना। सिस्टम में है ना आइसोलेट कर देते हैं डिफेक्टिव व्हीकल को, यहां से की जाती है इस जगह से, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस पाइप। रिजर्वायर से चार्ज करते हैं, एक रेगुलेटर जो है वो एक आप अगर देखना चाहें एक रेगुलेटर इस आपकी साइकिल है, साइकिल की एक ज्यादा वियर हो जाए आपको पता है ना, वो काफी ऊपर जाके लगा थी साइज पूरा है, प्रेस करेंगे ब्रेक लग जाएगी आपको, काफी ऊपर जाके प्रेस करना पड़ता है। ब्रेक रेगुलेटर है कि ये आप भी मेटल है, ये भी मेटल है, और ब्रेक कैसे हो रही है, ब्रेक यूज कर रही है होगा तो ये होगी, इसलिए ये ज्यादा सॉफ्ट होता है, व्हील इज मोर एक्सपेंसिव, तो इसको आप जरा सॉफ्टर रखते हैं ताकि ये वियर हो, इसको रिप्लेस करना ज्यादा इजी है। बीइंग अ स्मॉल क्या है कि वो अंदर अब ये जैसे जैसे आ जाएगा क्या होगा कि इसकी थिकनेस ब्रेक शू कम होती जाएगी, क्या होगा कि वो एक पाव एक रेगुलेटर पता नहीं एक आप मैंने तो क्या है कि हमसे ये ज्यादा आ गई है, चाल ज्यादा हो गई है उसकी, अब जाके वो आपको नहीं होगी, जब वो चाल बढ़ जाती है ये ज्यादा हो जाता फेज ऑफ द ब्रेक शू रेड है, ब्रेक लगती है जाके इधर से, अगर ये इसकी थिकनेस इतनी है ये हाफ रह जाए, आप रह जाए तो क्या होगा कि ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगा, और फिर तो इसके लिए एक इक्विपमेंट लगा देते हैं पार्ट ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म है बेसिकली कि वो जो ब्रेक उसके अंदर आती है वियर ऑफ द ब्रेक एडजस्टमेंट के लिए कि वो ऑटोमेटिकली ब्रेक रिगिंग एडजस्ट करता है, तो आपका ब्रेकिंग पावर है ना वो अफेक्ट ना हो विद द वियर ऑफ द ब्रेक,
वरना जैसे जैसे वीयर या इसका गैप बढ़ता जाएगा टेकिंग पावर कम होती जाएगी, तो फिर आप डे है वो एडजस्ट करते हैं हर के नीचे कंट्रोल रॉड लगा होता है फिर उसके बाद एल होस पाइप मैंने आपको बता दिया कि connect that after the coach at the end there are two flexible connections between the two connect the two coach hai ya wagon hai un aapas mein connect karne ke liye aap those pipe isolating cork maine bataya hai ye iske upar aur iske upar train pipe ke end mein jo laga hota hai it basically to gauge and engage the couplers of flexible pipe train pipe hota hai which is running metallic pipe entire length of the coach wagon ke liye hota hai jisse that is called train pipe uske baad passenger emergency valve circuit valve the alarm chain bata diya ki guard emergency valve bhi bata diya ki guard ko train rukni hai because of certain reason क्या करेगा पाइप करेगा उसका जो डिस्चार्ज पाइप है वो साइज में बड़ा है 0.5 टू 1.5 बार जो है ऑफ आएगा जो कि ड्राइवर को इंडिकेट गेज पे भी जैसे ही उसे पता चलेगा कि हार्ड हो रही है और फिर क्या करेगा कि ये वही चीज सारी आपको बताई है कि डिस्ट्रीब्यूटर वॉल है रिजर्वायर है जो स्टार्ट हो गया उसके बाद ये वॉल जो है वो उस साथ कनेक्ट होता एक रेगुलेटर का आपको बता एक शू के मैसेज ऑफ टाइम क्लियर आती है एडजस्ट करने के लिए कि वो करेक्ट रहे ब्रेक गैप आएगा एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं कि उसको आगे चला देते हैं तो गैप कम हो जाता है ताकि वो ब्रेक 100% और फिर अल्टीमेट एक लिमिट आती है जिसमें आप फिर ब्रेक शू को आपने जब उसकी इसका अब मुझे साइज एग्जैक्टली याद नहीं कि नखल 1/1/8 इंच थिक होता है ये वाला चीज और ये अगर पता नहीं 9/7/8 तो सुपर डन कर देते हैं अच्छा फिर ये जो था ना ये मैकेनिज्म था थोड़ा प्रिमिटिव इसमें टू रिक्वायर मोर मेंटेन ब्रेक एडजस्टमेंट क्लियर आ रही है ब्रेक उसके लिए अब जो लेटेस्ट चीज है हमारी इनकी स्पीड भी ज्यादा है पहले तो ये डिजाइन थी 120 के लिए चला उनको हम 105-110 जर्मन डिजाइन है और अभी जो चाइना से हमने लिए हैं 2001 में और 2008 में ये वो है बेसिकली 140 दे आर प्रोवाइडेड विद द डिस्क ब्रेक बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे गाड़ियों में भी सारी डिस्क तरह के वो ब्रेक शू होते हैं 11 से पहले की है और ये जो है ये जरा इसकी अंदर हैंगिंग पार्ट्स का हमने इज मोर एफिशिएंट और इसके अंदर ये है कि ये व्हील के साथ कांटेक्ट नहीं होता इसका लाइफ ऑफ द
other style of coach. उसके अंदर एक जो सबसे बड़ा फिनोमेना है थेफ्ट, एक ब्रेक शू 14 केजी का हाथ लग गया, वो उसमें सिर्फ एक पिन है वो निकालते हैं। और ये जो डिस्क ब्रेक है ये क्या है कि बेसिकली ये एक्सल के ऊपर एक और छोटी सी डिस्क माउंट है जिसके साथ ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं। और वो ब्रेक पैड्स ये है कि उस डिस्क को और वो उसका जो कॉन्टैक्ट है कॉम्पोजिट मटेरियल, कॉम्पोजिट मटेरियल जो है उससे ये तो भी ज्यादा एफिशिएंट भी है, ज्यादा इफेक्टिव भी है। उसके अंदर ये ऐसे ही आप प्रेशर नई जो हमारी कोचेज हैं या अभी जो आए, अब अगर आप लोगों की हो जाती आप अभी ब्रांड न्यू हैं, अगर आप भी कोचिंग के जा रहे होते हैं तो श्योरली कुछ चाइना चले जाते आपको वो बेसिकली दे आर डिस्क है, बेसिकली दे आर इन टू पार्ट्स, वो हाफ एक और दूसरा ये आपस में बोल्टेड है और इसके अंदर जो है ये वेंटिलेशन सिस्टम होता है। तो आप असेंबल कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो गियर वाला कंपोनेंट है वो ब्रेक पैड है। बारी आती है जाके कई सालों बाद उसमें है इसको आपने हर वक्त चेक करना है। जैसे कि गाड़ी पिट शेड्यूल एग्जामिनेशन क्या है कि गाड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ठीक है, ब्रेक भी है कंपोजिशन है उस फॉर एग्जांपल की कोचेस ग्रीन लाइन की है और मेंटेन इस वो है उस सेक्शन कोचेस जो हैं जब भी कराची पहुंचेगी तो कराची में होगा कुछ ट्रेनिंग होगी सेफ टू रन एग्जामिनेशन, बाकी अगर कोई मेजर काम है बेस डिपो करें। तो उसके अंदर ये है कि ये जो बेस डिपो तीन लाइन अगर हर जो का लाइटिंग
power plants, all will be made under these. Just we talk of green line or any other thing. इसी तरह फाइबर मेल है तो उसकी चारों रेक्स की जो भी है मेजरमेंट दैट विल बी कैरिड आउट एट तो पहले तो आप टेस्ट करते हैं फिट शेड्यूल एग्जामिनेशन है इस तरह अभी आज शाम को एक ग्रीन लाइन है आपको आज मेंटेनेंस वॉशिंग लाइन चली उसकी ड्राई की your examination kya karega usne that's it baad us puri charge kar denge फिर वो वहां पे देखते हैं करके प्रश्न ज्यादा देखते हैं कंपोनेंट वो कंटिन्यूटी टेस्ट के बाद आएगा ना पहले तो वो आ गया कि एडजस्टमेंट ऑफ द ब्रेक फिर आएगा कंटिन्यूटी चार्ज करते हैं चार्ज करके फर्स्ट कोच और लास्ट कोच सिस्टम रिमेन चार्ज विद फाइव अदर यू थ्रू द लोकोमोटिव पास थ्रू द सिस्टम को आप चार्ज कर देंगे और फिर आप देखते हैं पांच मिनट के अंदर दस पीएसआई से ज्यादा 5 minutes if top impression gauge लगा देते हैं start पे और end पे अगर वहां पे 5 minute भी 10 psi फिर आपने देखना आपने उसकी ये है चली 12 14 15 30 डिपार्टमेंट है कि इन दस की एस आई चार्ज कंडीशन फिर हर कोच का पीएम होता है पीएम इज द प्रिवेंटिव बेटर मेंटेनेंस कैरिड आउट ऑफ तो इस डीजी को व्हाट है है उसको लिफ्ट पॉलीस को बीच साइज देखेंगे एक्स बॉक्स देखेंगे और इस तरह के एक टाइप परफॉर्म एमी लिफ्ट कार बॉडी पॉलीस कर लेंगे और एक एक चीज स्प्रिंग्स लाइनर्स कंडीशन ऑफ सिस्टम ऑफ एब्जॉर्ब इन द विजिबल बैक सारी चीजें कैरिड आउट ऑफ पीएसडी बुक इज आप कैरी आउट कर लेते हैं जस्ट पुट अ स्टेंसिल ऑन द बैक ऑफ द फर्स्ट पीएम कैरी हर कोच के एक होती है फिर नॉट रेलेवेंट लेकिन सबको पता होना चाहिए टेक्निकल इस कोच के साथ आएगा ना जी कि फॉर एग्जांपल कोच नंबर है 1 2 लेवल 1
0. It means this is, this belongs to Peshawar division. Ek coach hai, uska number hai, let's say 3 for Multan, 4 for Sakhar, 5 for and 6 also 1 in ye us samay mein tha when the baat beta the ye hai ki क्या था सेट कंपोजिशन ऑफ ट्रेन एलोकेटेड टू सेट. फॉर एग्जांपल मुझे कुछ याद आ रहा है कि तीन लाइन है कंपोजिशन फॉर पिंडी ऐसे है 1 इकोनॉमी क्लास कोच और 5 किसी बिजनेस one power plant or one and plus plus dining portion. One AC sleeper, second business class, 5 economy, 1 power plant.
मतलब है कि ऑलरेडी आ रही है लेंथ इतनी आपके प्लेटफॉर्म्स वो इंफ्लेट कर रही है आपने वो बनाया कि नहीं कि वो जो एक सिंपलर स्टेशन होता है उसका कोई इस तरह है ना जी कि वो ये है और फिर उसके बाद ये है और इधर से कोई ऐसे है कि सिंपलर स्टेशन है दो लूप लाइंस और एक मेन लाइन हो जाती है उसकी लाइन जो है पता चले जी कि आपकी वो ट्रेन जो है इधर तक आ रही है या इधर तक आ रही है क्या होगा कि ये आपके पॉइंट्स ही आप सेटिंग कर वो फिर आपका ट्रेन एक स्टेशन ऐसा है कि जहां पे 40 से ज्यादा वैगन 40 वैगन से 40 से ज्यादा होगी 40वीं क्या होगा कि वो इस पॉइंट को इन्फ्रिंज करेगी अगर इधर से आ रही है तो इस पॉइंट को इन्फ्रिंज करेगी एंड व्हाट विल बी दैट रिजल्ट आप पॉइंट से नहीं सकता आप कहते हैं कि सात टन से ज्यादा आगे जो है हमारा और ये 4000 हाथ जो है आपकी वो भी यही फैक्टर है वो 2000 टन से ज्यादा राउंड लेकिन 4 टन नहीं होता जो 480 टन से ज्यादा 2000 देखें जो प्रेसिडेंट ट्रेन है ना तो आपने टाइम मैच करना है ट्रेन का ट्रेन में ट्रेन quiet for only और फिर जल्दी स्टॉप दोबारा लोडिंग हो लेकिन फॉर द पैसेंजर टू मेंटेन टाइमिंग्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट जिस साढ़े 4 घंटे में लाहौर पहुंचेगी जब उसके साथ उतना नहीं जब उससे बढ़ जाएगा अल्टीमेटली जो नॉर्मल ट्रेन है बाकी तो ये मैं आपको बता रहा हूँ आ जाके वो इंटरसेक्शन बन जाता है कि हम बात किधर से शुरू करते हैं और जाके फिर That is required कि वो कर्म चल रहा होगा अब होता ही है कि पिंडी बताया ना कि ये कंपोजिशन ये है तीन लाइन की वो है सारा मिला के बनता है
जनरल कोचेस पे तो ये होता है कि हॉरिबल मैनेजमेंट है ना, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं बिजनेस क्लास में ना हूँ। तो वो कहते हैं जब मैं किसी को कहता हूँ यार मेरी एक कहते हैं सर वो सर में मैं कहते ठीक है तो उसकी रीज़न यही है कि एटलीस्ट आपको कॉम्पिटिशन नाइट में ट्रैवल विद द
चाइनीज के हैं कुछ है कुछ नहीं है तो वो मिल जाए तो बने ग्रीन लाइन पे अगर जाना है तो उसमें if you are traveling on duty that scale mein bachcha bhi kya karenge ye ho gaya ji ye bhi ho gaya ki ji wo वो टेस्टिंग हम कर रहे थे वो समझ आ गई जी वो कंटिन्यूटी टेस्ट कि वो 5 मिनट 10 पीएसआई से ज्यादा होगा तो ये फिर आपने अटेंड करनी है लेकिन फिर वो मैंने आपको बताया था कि बिफोर ओरिजिनेटिंग एवर अंडरगो ट्रेन के देख के बाद जब लोकोमोटिव क्रैश होगा एक डॉक्यूमेंट साइन होगा पार्ट बाय ड्राइवर बाय ट्रेन एग्जामिनर ऑन ड्यूटी पार्ट एनीवन पार्ट का नाम होता है उसने जिन पे कितना प्रेशर था गार्ड के पास कितना प्रेशर था फिर उसने एक ये होता है रिचुअल के ड्राइवर जो है आफ्टर दैट एक्सीडेंट के पूरा सिस्टम चार्ज हो जाता है वो एक पेशेंट फुल सपा के प्रेशर ड्रॉप करता है और फिर देखता है कि कितनी देर में रिक्रिएशन हुई है दोबारा 5 आवर तक रिक्रिएशन टाइम इज परमिसिबल के लिए अगर इतनी सेकंड्स में अगर इतनी लेंथ ऑफ इज है तो उसके टाइम में रिक्रिएशन होनी चाहिए क्या करते हैं कि वो कॉय करता है प्रेशर जब वो अटैच होता है 5 बार करके तो दोबारा फिर वो डिप्लॉय करता है और फिर देखता है रिक्रिएशन टाइम कितना हुआ है वो रिकॉर्ड करता है फिर तीनों के साइन होते हैं उसके बाद ट्रेन मूव करती है फिर भी उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन फर्दर हम लोगों ने ऐड की जब ड्राइवर 10 किलोमीटर प्लेटफॉर्म से आगे निकल जाए फिर एक दफ़ा ब्रेक एप्लीकेशन ट्राई करके देख ले आइसोलेटिंग कॉक है रेलवे वालों को तो पता है कि किधर है लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई जस्ट फॉर फन से और सब अंदर से सबताज के अंदर से है तो फिर एक चेक है कि 10 किलोमीटर पे ड्राइवर चला गया फिर वो देख रही है ये सारा मतलब मैंने कर लिया अच्छा इनिशियल स्टेशन पे नॉर्मली तो ये है कि सारी गाड़ियों उसकी समटाइम्स कोई सम रीजन कैन बी एनीवन यदि एक कोच जो है उसके अंदर एक रिलीज आप क्या करते हैं डिसफंक्शन फाइव व्हीकल इन केस ऑफ नॉर्मली तो ये है कि जो बट एनी फाइव व्हीकल
गाड़ियां हैं उसमें एक भी अलाउड नहीं है इसमें सिर्फ एक अरेंजमेंट है कि जो डिफेक्टिव जिस टेकिंग पावर नहीं है ना उसको लास्ट नहीं लगा सकते उसको लगाना है अंदर कहीं वो कंसेप्टिव भी वो चलता है वो मतलब सिर्फ किताबों की हद तक है वैसे वो चलता है जो पाइप व्हीकल जो है जिसका ब्रेकिंग डिफेक्टिव हो गया है कैन नॉट मेक इट एज अ लास्ट व्हीकल यू हैव टू डिटैच इट मैं आपको बता रहा हूँ कि कई दफा ऐसे होता है कि जी किसी घोड़ी ट्रेन पहुंची है ये गाड़ियां जो है वो पाइप व्हीकल है जी उसकी पावर नहीं है वहाँ पे जितने सारे लोग बाकी खरीदार क्लास है तो आखिरी व्हीकल जो है ना जी वो उसका ब्रेक डिसफंक्शन बिकॉज अगर वो कपलिंग टूट गया वो एनी वे last week and not being is obvious but lekin jo short composition ki train city chalti hai na ye time thoda hota hai total 5 coaches hain itna possible nahi hota ki aap shunt karke usko piche sometimes have probably you take ye ho gaya ji sara ke train allowed nahi hai hum jo the fir wo traction motor humne almost pad li hai electrically why not to finish betterly agar party mein तो खैर आप पूछें अपने यूनिवर्सिटी आप क्या कौन सी नीचे आप ये है आप स्टोर पर तेज में है ना आपने केस प्रोसेस आपने कॉल की आपने प्रोक्योर कार्ड की आपने प्रोक्योर कार्ड है ऐसे कंपोनेंट सारे तकरीबन वो आपके आपको पता है कि हमारे जो कलीग्स जो गुड कलीग्स rather the very complex needs of so are as good as comprehension of this difficult and for the aliens halange they should know if they will not be knowing then the all the derailments will That's for sure. And we have been doing. मुझे कहना नहीं चाहिए. Have been doing. The reason हमारे account पे थी. अब ये आपके. जो भी intellectual dishonesty हैं या जो भी partners हैं या मतलब. अधिक. इस partners ऐसे देखें बात पता है क्या? बात ये है कि ये चीजें हैं. अगर आपका knowledge about अगर ब्रांच नहीं है रेलवे का
actually the DM because he's the in charge of the सॉरी क्या कह रहे हैं जमीन क्या हाँ हाँ हालात और खराब होंगे अगर कोई जमीन बढ़ा है ना तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव वो रिसोर्सेज भी उस हिसाब से दिए गए फॉर एग्जाम्पल अगर उसके अंदर इंजीनियरिंग है ऐसा नहीं है दिस इज नॉट द रीजन कि आप इसको इम्प्रूव अगर आप क्या होगा वो कुछ भी नहीं एक किलोमीटर ये जो है ना आप अपना असली दुनिया की तरफ रुख करें ये बड़ा टेम्परेरी फेज ये फिर थोड़ा सा आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा आगे तक गए जा
If you are working in the operational division, you are an operational officer. So, समझे अगर तो आपका train operation is normal, बनाएंगे. ये आपकी छुट्टी है. और अगर आपका train operation normal नहीं है, तो नहीं होता. तो फिर आप समझे कि you are in trouble. You are running. Running after the pillar, the job is pillar to post. और हम ये करते रहे एक रेजिमेंट अटेंड करके आए अभी घर नहीं पहुंचे 10 घंटे बाद आ गए कि दूसरा रेजिमेंट हो गई एंड इट इज क्वाइट फार ऑफ सो यू हैव नो एस्केप ये है कि ये है लोग करते हैं मतलब आप आपसे थोड़ा आपकी एजेंट या वेरी गुड सॉरी proceed on leave such a way, rest assured, then Dalbandin is your ultimate destination. Yes, I can assure you. Again, if you exercise your powers, so then but if you don't know your work aur aap apne kaam mein involved nahi hai aap samjhe fir aap AWI se bhi ye main to ye isko you are professional if you are competent enough if you are conversant with the your job then aap as AN bhi duty aur agar aap nahi apne isme involved to fir aap samjhe kuch nahi and EMEs, they are
आप क्या चाहते हैं? ये है रेस्ट शो। मैंने तो बाई विलफुली मैं ज्वाइन किया था रेलवे और बिलीव मी कि मैं प्राउड फील करता, प्राउड फील करता, बिकॉज बी आई ग्रेन के जितना पॉलिश किया है रेलवे की वजह से या ग्रिलिंग की वजह से दैट इज अनमैचेबल। और फिर उसका आपको कुछ एडेड एडवांटेज भी मतलब आपको अंदाजा पता नहीं है। अब मैं जिस घर में रहता हूँ मैं फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स मे बी 5 इयर्स में उस घर में रह रहा हूँ आते हैं बट मी हालांकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी है प्राइवेट सेक्टर के वेल पेड वो क्या कहते हैं यार आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए तो 1+ पॉइंट के बाद और एक घर आप जहाँ मर्जी मेरे पास प्रैक्टिकली दो घर हैं मैं मेरी फैमिली पिंडी एक घर मेरा बैंगलोर में सालपुर में अगर मेरी मिलो क्या ये प्रिविलेज नहीं है? मेरे अपने जो क्लास मतलब दोस्त हैं वो आर फ्रॉम द सिविल सर्विस जो इस्लामाबाद में 20 में काम कर रहे हैं कैन यू बिलीव देयर ड्राइंग रूम स्मॉलर देन माय कहना नहीं चाहिए सही बात कर रहा हूँ। इसकी कोई टेंजिबल है वैल्यू क्यों नहीं है वैल्यू? यू आर लिविंग इन अ पॉश एरिया और बाकी क्या है 5-6 रिसोर्सेज आपके अगर आप लेकिन इसमें तो रेलवे में इतना अनाउंस है प्रोवाइडेड यू बिहेव फिर आपको मिलता है। पहली दफा गया था गया part of your that job package aise thodi hai ki mile I was working I was relevant ye bhi aapke part ka hissa hai ki matlab aap duniya mein ye opportunity mere part of contemporaries ko nahi mili उनका प्रोफाइल शायद वो नहीं है वो आपको ये आपके ऊपर हाउ यू एक्सेप्ट हैव द प्रॉब्लम्स यू हैव दैट्स व्हाट यू शुड बी आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है आप गारंटी everybody is in the so we jante hain because
रेलवे इज वन फैमिली, एक ग्रीन then you are transferred to some other division, then you have 40 to 50 नहीं करता था उसको फिर मैं वो आपकी ना unfortunately आपने रेलवे all the sitting they are cases are like this yeah they are written off. ये इनके टेस्ट कब आई वाज प्लानिंग फॉर टुमारो तो अब ये है कि ये यार गिविंग सम लेम एक्सक्यूज के लिए अगली दफा रख लें नेक्स्ट क्लास में हालांकि तैयारी उन्होंने अगली क्लास में नहीं करनी ये तो नहीं क्रिकेट मैच इसका मतलब है आई मस्ट प्रिपेयर वन असाइनमेंट फॉर यू टुमारो एट लीस्ट कि अगले हफ्ते दे दें या 10 दिन बाद दे दें हां हां बस ठीक है get ready main to sir thoda sa ab hum wo kaafi ho gaya tha to ab hum zara real story ki taraf aa rahe the private selling ke have an option serve in the railway rest assured I tell you the one thing I just record officer sir came here main usko japan mein tha jab mera officer sir bs20 post main wahan se regional mechanical engineer महीने की ट्रेनिंग मेरी जगह एक बंदा पोस्ट हो गया वो
मुझे याद है कि व्हेन आई लैंडेड बैक द डे आई लैंडेड बैक द ऑर्डर रिवाइज हो गए फिर उसी पोस्ट के लिए यानी पिंडी के लिए तो व्हेन आई जॉइंड अगेन आफ्टर द मदर कमिंग बैक किसी ने बताया हालांकि सॉक्रेटिक साहब वाज नॉट नोन टू मी एंड इवन ही वाज नॉट नोइंग मी नाम सुना था इन्होंने मेरा नाम भी नहीं सुना था नाम भी देखा था आई रिकॉल के गन्ने चौक तो मुझे उन्होंने कहा फील्ड ऑफिसर्स ने यस रिक्वेस्टेड सीएमई टू पोस्ट यू हियर और वो उन्होंने हमसे पूछा था कि वो कौन है फिर उन्होंने सीएमई से बात की कि तो तीन महीने बाद जब आया तो अगेन आई गॉट द पोस्टिंग सो फॉर द पोस्टिंग इफ यू आर गुड दैट वाज एनीवन and you repeat after I told travel along the beach travel along the beach these are every single by the way just 60 saal 70 saal se aap pindi station pe ek me ya dme ya ek baat kar lena 5-10 minutes all offices rehne chal rahi hain आपको ये रनिंग रूम्स हैं वहां पे सारे इकट्ठे इट विल बी टॉक ऑफ द टाउन रेस्ट श्योर टॉक ऑफ द टाउन आपकी अफसरी पर आपका जो कैरेक्टर है और आपकी जो आउटलुक हो हाउ यू हैंडल योर दैट ट्रैवल सो फास्ट यू आर अ गुड ऑफिसर इट ट्रैवल्स गुड ऑफिसर इफ यू हेड ऑफिसर आप जो मर्जी कर रहे हो आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा बिल्कुल ऐसे ही है और इट इज अ सो क्लोज रिलेटेड फैमिली इस तरह है रेलवे का प्रॉफिटर साहब इज रिटायर्ड सिंस ऑलमोस्ट नाउ 10 इयर्स बट ही इज स्टिल जिसे कहते हैं कि वो हमारा इंटरेक्शन भी और उनका इंटरेक्शन भी शायद उसी का है कि जैसे हम कभी देखें ही विल बी अपडेटेड ऑन रेगुलर डेली बेसिस वी हैव सम व्हाट्सएप ग्रुप्स सारी चीजें हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं रेलवे के sometimes personal sometimes jo sari cheeze jo hai ek dusre ki share ho main inko bataya tha god made and then third he created a day very right maine inko day 1 se sab railway mein aa gaye aap ja nahi sakte ye sab maine very first day inko bataya ki ji hum literally jab we railway ke milte hain and we plan before ki railway ki koi baat nahi karni but after 5 minutes you are again in the railways ye ek deviation hai way of life hai ye jo hai na ye jo aap apni baat kar rahe the ki aapki main aapko rest assure ye main kisi keh raha hu ki mere jo class fellows hain sir they are now reaching 6 figure digit salaries but they look at me I never look at them. I don't think that they are going to have any English. आपकी चीजें हैं ना सारी ये आपको ऐसे नहीं you have to reciprocate कुछ ना कुछ आपने reciprocate towards department फिर आपको होगा और ये जो आपकी सिफारिशी पोस्टिंग है एक आध दफा मिलती है उसके बाद आपकी कॉपी फॉर्म वो आपने अगर कर ली फिर आपका जब नाम आएगा सर उस दिन द सीईओ वाज आस्किंग मी कि जी ये दो तीन डीएस के नाम बता दें अरे वो सीनियरिटी लिस्ट पे एक तुम नीड मी सर वी कुड नॉट वी कुड नॉट फाइंड अ सिंगल वन मैंने कहा ये एक है ये शायद चल जाएगा लेकिन बस ऐसे ही है 50-50 बाकी वी कुड नॉट फाइंड मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता पहले सर को कवर करके यदि ये मतलब दिस इज आल्सो द वन थिंग बट योर स्टैंड शुड बी ऑलवेज लाइक दिस कि जब आपका नाम आए व्हेन एनीवन कहे यस ही इज फिट फॉर दिस जॉब दिस जॉब इज पॉसिबल ये आपकी स्टैंड है किसी लेवल पे भी किसी भी अगर भी आप hybrid where on one side you want to do academics on the other side you're
So we ask the evaluation after the posting and suitability for posting. That may indicate. वो नेचुरली अगर आपका शुरू में रेल अगर यू हैड इट जैसा अभी कर रहा था ऐसी ट्रेन नहीं है जो आपको रेल पे लाए ये रियली दे नीड गो थ्रू ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सर बिकॉज़ सम टर्मिनोलॉजी व्हेन आई आस्क देम दे आर ब्लैंक अच्छा सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट ये सारी चीजें अल्टीमेटली इंटरकनेक्टेड है when we are talking about locomotive, when we are talking about turnaround, when we are talking about maintenance, ये सारी चीजें interconnected हैं। तो आपने कुछ और पे भी कुछ थोड़ा सा करें, train operation का कुछ जो knowledge यहाँ। This is just a broader idea. बाकी तो इसका मतलब detail हम इसके पीछे पूरी engineering है, traction motor के, which is not given in this bullet points. तो कम से कम आप being electrical engineer आपको पता होनी चाहिए Yeah, what is the mechanism? Is the action for the traction motor for the, or something like that? So, थोड़ा सा इसमें तो railway systems है ना? Top पे रखा था train operations and safety. तब तक मौका नहीं आ रहा. इतनी बातें करते हैं. से निकलवाते हैं बातें. नहीं अच्छा सर मतलब मैं थोड़ा सा मैं देख रहा था कि डायरेक्टिव सेशन में ये है कि वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जिस तरह होता है ना साइलेंट ऑब्जर्वर दे गिव सम टाइम टफ क्वेश्चन नहीं अच्छा है तो वो फिर सर मैंने और वो मेरा काम पर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा जी तो दे गेट इनटू दैट ब्लू वॉकिंग्स बिल्कुल तो मैं अब वो जो एक हमारा था ना पावर एनालिसिस का वो सारा ये अब बिल्कुल लास्ट में लेके जाना पड़ेगा कि यू गो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन टू सम एक्सटेंट के बाद फिर हम लोकोमोटिव लिंक्स और जो पावर लिंक्स है ना एक का आपका जो फिर उस वक्त तक नहीं आ सकता आप तब तक आप थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन आज मैंने इनसे पंक्चुअलिटी और उससे पूछा ना तो देवर प्लान यार वो किधर आप अभी तक आपने फिर इनको थोड़ा सा मैंने बताया तो अब सर ये है सर कि इस सब्जेक्ट का फायदा क्या होगा सिविल इंजीनियर्स वर आस्किंग मैंने कहा कि अगर आप ये नहीं इस थोड़ा सा ब्रॉड मतलब एक पिक नहीं करेंगे कहना नहीं चाहिए कि इस स्टेज पे और पुल पे देन ऑल द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हेलमेट इवन यू आर नॉट रिस्पांसिबल वी शुड थ्रोन ऑन यू ये चीज़ें आपका रिक्वायरमेंट है इसी तरह ये जो है आपका जो पावर प्लांट है उसका भी यही काम है सिर्फ उसके अंदर ट्रैक्शन वाला पार्ट मिसिंग है अदरवाइज द होल ऑपरेशन ऑफ योर पावर प्लांट सेम एज ऑपरेटिंग पार्टी यही काम वी हैव वन पावर हाउस और 2 मेगावाट पास सॉरी स्टैंड बाय ये पहले तो वो मतलब काफी रेगुलर चलता था और जितनी रेलवे की ये आपके सेटअप थे जो स्टेज पे पार्टीशन है ये है मतलब हाँ वो जो था सर वो लाला मुसम था वो लाला मुसम था अभी भी है सर अभी भी है लेकिन वो रियली इट्स डिफिकल्ट टू डिसमेंटल क्योंकि वो बहुत बड़ा उसको निकालना जो है ना सर यू नीड टू डिसमेंटल द रूफ अब वो नहीं निकल सकता आप लोग है ना नेवर नो वन और टू ऑफ यू मे लैंड अप इन गोना म्यूजियम पीसेस वो आके देखेंगे आपको बड़े लोग नजर नहीं आ रहा जब देखता हूँ नामों को तो मैं बिल्कुल ऐसी अब वो इनको मैं स्टेज पे बिटवीन द लाइंस को बता रहा हूँ कि देर आर टू ऑप्शंस अगर तनख्वाह लेनी है तो वो भी मिल जाएगी रेलवे में
और अगर आपने एक वो आइडेंटिटी की है, थोड़ा सा आपके लिए पेन है, थोड़े चैलेंजेस हैं, थोड़ा है, और रेस्ट श्योर के अगर आप उससे ये समझेंगे आपको कोई एडेड एडवांटेज मिलेगा या आपकी कुछ चार इंक्रीमेंट्स कर देंगे या दो, ऐसा नहीं होगा। एक तो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन नंबर वन, योर कॉन्शियस विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ ये मेरी अचीवमेंट, ये मैंने आपको शायद बताया था, थोड़ा म्यूजियम था प्रॉफिटिक्स पार्ट ऑफ दिस टीम, ये हमने डेवलप किया, आप देख रहे हैं सर को प्राइड वो जाते हैं तो वो जो है सर आपको पता है कि ये चार्ज ये टैक्स जो है ये आप चार्जिंग 20,000 और आप वेडिंग वो जो है ना एक फोटो शूट के लिए ब्राइड और ग्रूम का 20,000 रुपया चार्ज करते हैं फुल्ला में फोटो शूट पे। अच्छा मतलब टिकट भी है जी वहां से हम जाके आपने पता नहीं क्या किया है सारे वहां पे वो कर और टुमारो भी है असाइनमेंट को मैंने ब्रेक नहीं दी सर यार इंटरप्ट मतलब कौन सी ब्रेक लिए खाने वाली नहीं ये भी चाय की ब्रेक मैं सर खाने वाली नहीं सही सर वो किया है तो चाय की ब्रेक कह रहे थे मैंने कहा कि हम पता ना अभी ऑफ कर लेते हैं टुमारो वी हैव सम असाइनमेंट एंड नेक्स्ट वीक वी और फिर परसों अगर आप आते हैं है सर परसों बोल रहे हैं मैं सालपुर का हो गया आपके पास ठीक है और गेस वन इन टू एक लेक्चर दे सकते हैं और एक असाइनमेंट भी दे सकते हैं पड़ेगा आई थिंक फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको ये आई फील पर्सनली दैट आप हमसे या हम अपने रजीम के हिसाब से ठीक ये है कि आपसे लग रहा है बट समथिंग आपकी तरफ से चलाता है ना मीन्स दैट समथिंग अब आपके वो है कि जी आप कितना आपको ब्लैंड थोड़ा थोड़ा सारे डिपार्टमेंट्स का अगर नहीं है ना दिखा अगर आप अपने ना कंपार्टमेंट में रेस्ट श्योर यू माइट बी वेरी गुड फॉर योर ओन डिपार्टमेंट एट लीस्ट यू एज अ रेलवे मैन
आपने खा लेनी है कैसे करोगे already connection is there you just have to connect a 4 inch SMD simply aapne ye ek do bhi that's it to phir TVs where he used to be aap se hona chahiye to udhar hi pahunch jaye phir usse kaha ki how to say ki ye bill thoda zyada aaya bijli ka karo na kaam kar sakte प्लांट जो लगा हुआ है इसको इंतकाम कर बिल आया है उसमें ज्यादा आया बिल व्हाट आर यू डूइंग क्या कर रहे हो उसने कहा सर मैं काम कर रहा हूँ किस पे काम कर रहे हो यदि पीजो इलेक्ट्रिसिटी हाँ जी अगर रिक्वायर्ड है तो ये जो पीजो है ना इलेक्ट्रिसिटी आप डाल दो इसको किसी तरीके से मुझे कम कर दो किया उसके बाद मैंने डीएस ऑफिस करके बाद मैंने हाथ लगाया उसको और चार ट्रैक्टर ट्रॉली गार्बेज और ये जो रबिश थी मैंने निकलवाई और हम ये क्लेम करते हैं ऑफिसर ने लिखा सर के कि आप इतना कर रहे हैं आप बड़ी से अगर तो अच्छा अफसर होगा वो इससे भी आगे लेके जाएगा लेकिन अगर बहुत ही थका हुआ हो तो कम से कम ये तो मेंटेन करना चाहिए उसे इससे नीचे तो फिर तबाही है बात ये है कि व्हाट ही लेफ्ट एटलीस्ट वी फॉलो वी क्लेम आप ये से जो हाउसकीपिंग है वो आपको एटलीस्ट देखे ना विद द टेक्नोलॉजी विद द मनी विद द रिसोर्सेज यू कैन डू एनीथिंग द बेस्ट थिंग इज व्हाट यू डू विद द व्हाट यू डू यस वो अगर आप इंप्लीमेंट और उसे दैट इज योर वो आपके लिए बेस्ट है और उसमें आपको कोई क्रेडिट शायद ना मिले एक्सेप्ट योर सेल्फ सर भी अगर आप इफ यू गो टू द वेस्टेज रोड ऑल द वे वहां पे मैंने प्लांटेशन करवाई थी एंड अब वो नाउ दे आर ग्रोन अप ट्रीज और जब मैं उधर से गुजरता हूं ना मेरे लिए बस वही है मतलब मैं सम टाइम आई टेल माय वाइफ कि ये जब मैं आई भी हो जाऊंगा ना तो ये मैं देखा करूंगा ना दवाई थी मैंने लगवाई थी अब वो ऑल द वे फ्रॉम ऐसे लेके कॉजेट के हम चौक तक यू फाइंड नॉट अ सिंगल फिट के जहाँ पे कोई प्लांटेशन नहीं ऑल अराउंड द ट्रैक नाउ दे आर ग्रोन अप ये चीज होती है कि वो उसके लिए मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए ना मुझे कोई क्रेडिट मिलेगा बट एट लीस्ट फॉर माय सेटिस्फेक्शन आई फील प्राउड एंड आई फील और एवर लास्टिंग है हाँ अनिशा तीन साल मैंने उनको पत्ती से कहा हुआ था कि अगर ये मुझे आ गया मुझे होता था कि पानी प्लांट दे रहे थे ऑप्शन
नौकरी है तो नौकरी चलती रहेगी, रेल चलती रहेगी, whether you deliver or not deliver. What is your contribution? That is a big tomorrow there is some chahte nahi hai. हाँ सर, वो मैं जब जाता हूँ ना तो रेस्ट हाउस में वो जो क्या होता है ना, मैं कहता हूँ आगे यहाँ से दबाव होंगे वो फिर ये कहता हूँ इसे खाता है जिस दिन अच्छा बाय द वे एक आज मसला था, एडमिनिस्ट्रेटर मसला था आपका वाटर कूलर और चीजें, तो आप बाहर से बैग को लॉक कर देते हैं अपार्टमेंट लॉक हो जाएगा, कोई कोई लॉक होंगे ना तो आप खोले दिल के आदमी आप कर तो वो आप बाहर पड़े आप अंदर कर लेना था एक वन मोर थिंग. अभी तो ये जो पहला पानी है दिस इज ऑन द हाउस बट आफ्टर दिस आपका अपना बंद होगा देख सकते हैं यहाँ आप जो पानी कोई लाएगा इधर तो इधर अच्छा जबरदस्त फिल्टर प्लांट है जो है फिल्टर प्लांट है या वो है टेस्टेड पानी या टेस्ट वो इज वेरी एनर्जेटिक बॉडी वो वॉशिंग मशीन आयरन स्टैंड और केटल भी आयरन सर यार.